जनरल इलेक्शन 2018 कौमी असेंबली का हल्का है NA 46 कुरम। एजेंसी का मुकम्मल सरकारी रिजल्ट उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ। यहाँ से कामयाब करार पाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साजिद हुसैन तूरी, उन्होंने हासिल किए 21,506 वोट। जबकि दूसरे नंबर पे आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद इकबाल मियाँ, इन्होंने हासिल किए 17,004 वोट। आज़ाद उम्मीदवार सैयद इरशाद हुसैन ने हासिल किए 16,995 वोट। आज़ाद उम्मीदवार इब्रार हुसैन ने हासिल किए 12,289 वोट। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन तूरी ने हासिल किए 1,871 वोट। आज़ाद उम्मीदवार अली बेगम खान ने हासिल किए 1,373 वोट। इस हलका में इन उम्मीदवारों के अलावा 19 मजीद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी उम्मीदवार काबिल जिक्र वोट हासिल नहीं कर सका। इसे जनरल इलेक्शन 2018 में कौमी असम्बली के हलका NA 46 कुरम एजेंसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साजिद हुसैन तूरी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं।